बहुत सारे कपड़े, शायद हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। अभी फिलहाल मैं ले जा रही हूँ मम्मी को शॉपिंग पे, बहुत दिन से ड्यू था। मेरा एक सवाल है कि जाने से पहले शॉपिंग जा का रहे हो? वो तो सरप्राइज है ना, मार्केट भी आ गए तो ले तो लिया आपने, लास्ट मिनट शॉपिंग जिसे कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देख सकते हो आप कि क्या चल रहा है। भाई साहब, बहुत सारे कपड़े सारे निकाल कर कुछ तो डिसाइड किया जा रहा है। कुछ तो न्यू गए, बिल्कुल पहने भी नहीं आज तक। शायद हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि दिल्ली में 3-4 दिन की छुट्टी है। हम भी 3-4 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है वो आपको आगे पता ही चल जाएगा। ये व्लॉग्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी हम खा रहे हैं दही बल्ले, देखो कितने टेस्टी लग रहे हैं, आपके मुँह में पानी आ गया ना बिल्कुल। अभी फिलहाल मैं अपने कपड़े डिसाइड कर रही हूँ, क्या क्या मैंने पहले पहन लिए, क्या क्या मैं हमेशा कपड़े रिपीट करती हूँ, तो अगर आपको दोबारा कुछ कपड़े दिख जाए तो उसमें माइंड मत करना, क्योंकि यार हम एक बार पहनने के लिए थोड़ी ना खरीदते हैं, हम तो उनको बार बार पहनने के लिए खरीदते हैं ताकि हमारे कबर्ड में रखे ना रहें और हम उनको पहने यूज़ करें, वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना हम कपड़े खरीदते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि न्यू कपड़े जो मेरे पास आज तक जो मैंने नहीं पहने अभी तक या वो ब्लॉग में नहीं देखे हैं किसी ने, वो पहनूँ या फिर वो ले जाऊँ, कुछ न्यू दिखना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाले हैं, बहुत सारी। ये ट्रिप हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉन्टेंट क्रिएशन की ट्रिप होने वाली है, ये सिर्फ हम फन करने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि जब हम कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं तो फन अपने आप हो जाता है क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हम नॉर्मली नहीं करते। मुझे 1-2 दिन बाद जाना है तो मैं सिर्फ कपड़े डिसाइड कर रही हूँ, तो उसी में इतना टाइम लग जाता है, उसी में इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि बस क्या बताऊँ यार। ये समझ सकते हैं वो लोग जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं या फिर घूमने जाते हैं कि रूम पूरा ऐसा भर जाता है कि क्या ले जाए क्या नहीं ले जाए, बिल्कुल दिमाग में भसड़ हो जाती है। और जैसा कि आपने देख ही लिया पिछले 2-3 व्लॉग्स में कि मुझे इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का कुछ अलग ही चस्का चढ़ गया। भाई साहब, मेरा तो इतना मन करता ना कि मैं डेली, मतलब चलो ठीक है घर में हम पैंट टी शर्ट पहन के या फिर पैंट लोअर पहन कर कंफर्टेबल फील करते हैं, घर में हम डेली नहीं पहन सकते सूट वगैरह, बट वीडियोस बनाने के लिए या फिर नॉर्मली कहीं बाहर जाने के लिए मेरा कुर्ती पहनने का, लहंगा तो नहीं बोलूँगी, कुर्ती साड़ी ये सब चीज़ें पहनने का इतना मन करता है ना अब तो। और फिर हम कुछ जा भी ऐसी जगह रहे हैं कि वहाँ पे वो कपड़े वो चीज़ें वो बैकग्राउंड के साथ वो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा उस टाइप के कपड़े रख लूँ। आप कमेंट्स में गेस करके बताना कि आपको क्या लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो शायद सही गेस भी करेंगे क्योंकि और हमारे पास कोई जगह नहीं घूमने जाने के लिए, दिल्ली के आसपास जो जगह है वहीं जाएंगे, पहाड़ों पे हम जा नहीं सकते। मैं आपको बहुत बड़ा हिंट दे रही हूँ कि हम पहाड़ों पे जा नहीं सकते, तो दिल्ली के आसपास हम कहाँ ही जाएंगे घूमने, तो आप ज़रूर गैस करके कमेंट में बताना, और जिसने सही गैस किया मैं उसका नाम ज़रूर लूँगी अगली वीडियो में, जिसने सही गैस किया उन सबका मैं नाम लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुछ कपड़े जो अल्टर के लिए देने हैं मुझे वो भी देके आऊँगी, क्योंकि टाइम भी लगेगा, 1-2 दिन, 1 दिन तो लग ही जाएगा अल्टर होने में, फिर मुझे वो पैक भी करने पड़ेंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रिप के लिए, स्पेशली मैं कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप भी देखने के लिए एक्साइटेड ना प्लीज़ थोड़ा सा, मतलब अब मैं रेगुलर हो गई हूँ तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ओनली 30% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो गाइज थोड़ी सी दया खा लो यार। अब मैं रेगुलर हो गई हूँ, माना कि मैंने बहुत दिनों से बहुत टाइम से मैं वीडियोज़ नहीं डालती, बट अब मैं रेगुलर हो गई हूँ प्लीज़, अब तो आप मेरी डेडिकेशन देख सकते हो ना, तो अब आप सब्सक्राइब कर दो और आगे आने वाली वीडियोस को बहुत सारा प्यार देना, फिर ये व्लॉग आगे कंटिन्यू होता रहेगा। और आजकल ऐसा हो गया है कि यार पता नहीं, रात को मैं एडिट करती हूँ चीज़ें और फिर नींद ही नहीं आती बिल्कुल, तो आप मेरी शक्ल देख के बता सकते हो कि मैं सो ही नहीं हूँ ढंग से, फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा है, ये सारा कपड़े वपड़े देखना पड़ रहा है, बिल्कुल भी ढंग से नहीं सोई हूँ, तो इसलिए मेरी ऐसी शक्ल लग रही है। और भाई मतलब सिर्फ मुँह धोया है और कुछ भी नहीं है, मतलब इतनी बुरी हालत हो रखी है ना अभी फिलहाल, बट हाँ ट्रिप पे जाने से पहले मैं थोड़ी अपनी शक्ल वक्ल सुधार लूँगी, 2 दिन में रज के सोऊंगी ताकि ट्रिप पर डार्क सर्कल्स ना दिखे। हाय गाइस, अभी जैसे आपने देखा कि मैं कपड़े बहुत सारे अपने सेटल कर रही थी कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, और उसमें से कुछ चीज़ें ऑर्डर करानी है, तो अभी फ़िलहाल मैं ले जा रही हूँ मम्मी को शॉपिंग पे, जो कि बहुत दिन से ड्यू था, क्योंकि हम तो अपनी शॉपिंग कर लेते हैं बट मम्मी अपने लिए कुछ नहीं करी थी, तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं मम्मी की शॉपिंग पे, और फिर द्वारका में ही, क्योंकि आसपास ही जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, दिल्ली में वैसे भी G20 है समिट, तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रिक्टनेस हो रही है, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं मार्केट और फिर वहाँ मम्मी को दिलाते क्या है, अभी पैसे तो मम्मी के खुद के ही है। मम्मी क्या कहना चाहोगे आप, कैसा लगता है आपको मेरे साथ ड्राइव पे जाके और शॉपिंग करके, कैसा लगता है? अच्छा लगता है।
मेरा एक सवाल है। हाँ। ये जाने से पहले शॉपिंग जा का रहे हो तुम? जा का रहे हैं, वो तो सरप्राइज है ना। तो हमने तो परमिशन नहीं दिया। परमिशन तो मिल गई तभी तो प्लानिंग हो रही है। ऐसी परमिशन होती है कि मम्मी को बताते हैं कि मम्मी जब जा रहे हैं, ये परमिशन होती है। कुछ परमिशन नहीं है, ये परमिशन है, ये तो मैसेज इन्फॉर्मेशन है। अरे आप समझो, आपको ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे ना, जैसे हमारे गाइस को देखने को मिलेंगे वैसे आपको देखने को मिलेंगे, इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को मिलेंगे, मजा आ जाएगा आपको देख के बिल्कुल। ये ट्रिप में सच में एज अ ट्रिप नहीं जा रहे हम लोग, हम ये कंटेंट क्रिएशन वाली ट्रिप की तरह जा रहे हैं। इसको हम की खूब कंटेंट क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम, क्योंकि दिल्ली में 4 दिन सब चीजें बंद रहेंगी तो हम लोग यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने सोचा कि एक गेट अवे कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे मम्मी डैडी के साथ भी कहीं घूमने जाएंगे जल्दी, है ना मम्मी? चॉइस मतलब जगह आप चूज करना, क्योंकि आप पहाड़ों पे जा नहीं सकते, आप गर्मी में जाना नहीं पसंद करते, और बहुत बहुत सारी जगह है जहाँ आप नहीं जाते, तो जहाँ आप जाना पसंद करोगे वहाँ हम आपको ले जाएंगे नेक्स्ट मंथ पक्का, ठीक है? अब हम चलते हैं मार्केट। गाइस पार्किंग हमने कर दी, अब हम आ गए हैं मार्केट। लॉक कर देते पहले तो कार को, चलो मेरे स्पेक्स है ये लो। चलो मार्केट भी आ गए, फटाफट से शॉपिंग करते हैं। को देख के कितना अच्छा सा लगता है ना मम्मी, एकदम कलरफुल सी वाइब आती है। सारे डार्क हैं बट आप पे तो सभी अच्छा लगता है। ये देखने में ही अच्छी लगती है, जब ले जाओ तब। हाँ पता नहीं क्यों घर ले जाओ ना सामान तब अच्छा नहीं, जब दिखाते हैं तब वो वाली नहीं होती जो अपनी पसंद होती। यही तो मैंने मंगाया था पिंक में, ये तो मैं लेना चाहूंगी। क्यों ना करूँ, तो ले तो लिया आपने पर लिया तो है ना कपड़े, डैडी तो देखेंगे ही, पर आपने ले तो लिया ना एक सूट, अच्छी बात है ले लिया, इतने सारे खुलवाने के बाद एक तो लेना ही चाहिए। कैसा लग रहा है फिर शॉपिंग करके? अपने जेब से पैसे जाते हैं तो कैसा? ये वो है रॉकी रानी की प्रेम कहानी वाली साड़ी, आलिया भट्ट ने पहनी थी, मैंने भी तो ऐसे पहन रखा है। सो गाइस मम्मी को शॉपिंग कराने के बाद मैं गई अपने हेयर स्ट्रेट करवाने, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड थी कराने की, और देखो इसके बाद मेरा लुक कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं अपने कपड़े ऑल्टर भी कराने के लिए गई थी, तो आप देख सकते हो कि हेयर स्ट्रेटनिंग कराने के बाद लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया मेरा। फिर मैंने अपने कुछ कपड़े ऑल्टर भी देखे, वो मैंने पिक कर लिए। क्या हो गया? बना दिया? नहीं मैं कुछ पीछे चली गई थी काम से। हो गया? मैं आ गई हूँ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, लास्ट मिनट शॉपिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे पास मिसिंग थी और मुझे मार्केट से लेनी थी, तो मैंने फटाफट से अपने हेयर स्ट्रेट करवाए और अपने ऑल्टर के कपड़े पिक करके अब मैं आ गई हूँ सीधा मार्केट। तो फिलहाल जल्दी से शॉपिंग करते हैं क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है, कल हमें निकलना है, और कहाँ निकलना है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पक्का पता चल जाएगा। इस व्लॉग में थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं, वरना कमेंट्स में तो लोग बता ही देंगे, ज़्यादातर लोग सही गेस करेंगे मुझे लगता है, और जैसे मैंने बोला था कि जो सही गेस करेगा मैं उसका नाम ज़रूर लूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो वो आप ज़रूर माइंड में रखना और कमेंट करके गेस ज़रूर करना कि आपको क्या लगता है कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो मैं फटाफट से शॉपिंग करने चलती हूँ। पूरी मार्केट जन्माष्टमी की डेकोरेशन से भरी हुई थी, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी, बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल लगता है मुझे तो। मैंने इसके बाद जूस पिया, शॉपिंग करी, और ये व्लॉग होता है यहीं पे खत्म। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।